बाबा उठिए ना बाबा बाबा। ओ आई एम रियली सॉरी, केस रिलैप्स हो गया, ये वापस कोमा में चले गए। होश आया था सुजॉय, लेकिन कुछ देर के लिए बाबा वापस कोमा में चले गए। मामा आप समझ नहीं रहे हो, ये लोग बहुत सिंपल लोग हैं, इनके लिए ये नाम और शोहरत और ये सब चीजें ये सब इनवैल्यूएबल है। अगर कोई चीज मायने रखती है तो उनकी इज्जत है। तुम बताओ राहुल ये क्या है, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? ये कैसे हो सकता है बेटा? अपने आप तो नहीं गए होंगे ना माँ? जाहिर सी बात है, जब वो आपसे मिलने के लिए निशा के रूम में गया था तब उसने वहां से वो कंगन उठा लिए ताकि वो आप पे और दादा पे चोरी का इल्जाम लगा सके। माँ ये राहुल सबरवाल अपने आप को समझता क्या है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू कुछ भी नहीं करेगा हर्ष, वो तेरी बहन का पति है, तेरा बहनों ही है, और वैसे भी मानवी ने जो कुछ भी कहा है ना वो उसकी सोच है। हो सकता है कि वो कंगन गलती से। बस माँ, कब तक आप हमें यूं ही चुप कराती रहेंगी? और क्यों, उस राहुल की हरकतों के बावजूद भी जब उसने मानवी से शादी की तो मैंने सोचा कि ठीक है, तब भी मैं चुप रहा क्योंकि मैंने सोचा कि शायद वो सच में मानवी से प्यार करता है। लेकिन माँ अगर जो मानवी कह रही है और अगर वो सच है तो इसका मतलब है प्यार व्यार सब झूठ है। माँ उसने मानवी से सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि वो उसे दुख दे सके, और मानवी का भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं उसे कोई भी दुख ना पहुंचने दूं। इस राहुल सबरवाल को तो अब मैं जवाब दूंगा, अपनी इज्जत की बहुत चिंता है ना उसे, अब मैं मीडिया को जाके बताऊंगा कि उसने मानवी से कैसे धोखे से शादी की थी। अब मैं मीडिया को बताऊंगा कि बाबा की इस हालत के पीछे भी शायद उसी का हाथ है। नहीं दादा प्लीज रुक जाइए, मुझे सिर्फ आपके प्यार की जरूरत, अपना ख्याल तो मैं खुद भी रख सकती हूँ दादा, और मैं राहुल से डरती नहीं हूँ। लेकिन मानवी वो लड़का, मैं उसके अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी दादा। मैं बाबा की बेटी हूँ, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। अगर मैं आज तक चुप हूँ तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास बाबा के एक्सीडेंट का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर सुजॉय को राहुल को पहचानने में जरा सी भी गलती हुई ना, और अगर राहुल बाबा को लेकर हॉस्पिटल आया है तो इसका मतलब राहुल ने बाबा की जान बचाई है, और जिस इंसान ने मेरे बाबा की जान बचाई उसे मैं सजा नहीं दिलवा सकती। लेकिन अगर राहुल ने बाबा को टेम्पो के सामने धकेला तो मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगी। माधवी बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? राहुल अब तेरा पति है, उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी तुझे बितानी है। हम सबरवाल की तरह पैसों में नहीं खेलते बेटा, उनके लिए ये शादी टूट जाना एक छोटी सी बात होगी, पर हमारे लिए नहीं है बेटा। हमारे लिए हमारे संस्कार, हमारा सम्मान और हमारी इज्जत, यही हमारी दौलत है बेटा। तू मेरी बात मान ले मानवी, ये सारी चीजें तू अपने दिमाग से निकाल दे, तू अपने ससुराल चली जा, हमें भूल जा बेटा। अगर तेरे ससुराल वालों को हमसे कोई दिक्कत है ना तो हम तुझसे दूर रहेंगे। क्यों माँ, मैं उनकी वजह से अपने परिवार से दूर क्यों जाऊं? मैं अपने आप को सजा क्यों दूं माँ? मुझे आपसे और बाबा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात संस्कारों की, मैं उस घर में रहकर अपनी बेइज्जती सह सकती हूँ माँ, लेकिन मैं किसी के अपराधों पर पर्दा डालूं? नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बस बाबा के ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ, बस एक बार मैं बाबा के मुंह से सच सुनना चाहती हूँ माँ। और अगर इनकी इस हालत का जिम्मेदार वो राहुल है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, मैं खुद उसे उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। निशा, इस डायरी के अंदर सभी मेहमानों की लिस्ट है जिन्हें पार्टी में इनवाइट किया है, सबको खुद से फॉलो करना, सबको मैसेज भेज देना। सबरवाल की न्यू ईयर पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होती है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, एंड मेक श्योर हर न्यूज़पेपर में खबर आनी चाहिए।
खास तौर पर फेस 3 पर. आई होप विल मेक श्योर. या डैड. ईशा, खाने पर खास तौर पर ध्यान देना. हर तरीके की क्विजिन होनी चाहिए. किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. ओके डैड, इट विल बी डन. मैं अभी केटरर्स को कॉल करके सब कुछ अरेंज करवा लेती हूँ. अरे ये देखिए डैड, मानवी भी आ गई. डैड, आपको नहीं लगता कि मानवी को भी मेरा साथ देना चाहिए पार्टी की प्रिपरेशंस में? बिल्कुल नहीं. तुम्हें अगर हेल्प चाहिए तो अवंती की हेल्प लो. वो जानती है क्लास किसे कहते हैं. ये न्यू ईयर पार्टी कोई सत्यनारायण की कथा नहीं जहाँ पे खिचड़ी परोसी जाए. ऐसी डाउन मार्केट हरकत मुझे अपनी पार्टी में दोबारा नहीं चाहिए. इसे सबसे दूरी रखो. जी डैड. मानवी, आई एम रियली सॉरी मानवी. मुझे नहीं पता था कि डैड ऐसे रिएक्ट करेंगे. मैं तो चाह रही थी कि पार्टी की प्रिपरेशंस में अगर तुम भी हमारा साथ दोगी तो हमें और वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को मिल जाएगा और हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे. यू नो व्हाट आई मीन. तुम डैड की बातों को बिल्कुल दिल पे मत लिया करो. वो तो हर एक के साथ ऐसे ही बात करते. मैं तो बस तुम्हें हमारी फैमिली का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन डैड, यू नो हाउ ही इज. एनीवे, तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो. तब तक मैं कोई भी अच्छी सी ड्रेस चूज करके तुम्हारे लिए पार्टी में पहनने के लिए भिजवाती हूँ. ऑलराइट? और अगर डैड तुम्हें अपमार्केट लोगों के साथ मिक्सअप होते हुए देखेंगे तो मे बी वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ले. थैंक यू. यू वेलकम. अरे जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? टाइम भी देखा किसी ने? अरे अभी एक घंटे में सारे मेहमान आ जाएंगे और अब तक तुम लोगों का ये सेटअप ही चल रहा है. देखो, एपेटाइजर्स और ड्रिंक्स सबसे पहले सर्व होने चाहिए, समझे? जी. हाँ, थैंक गॉड. ईशा, वेरी नाइस अरेंजमेंट. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच डैड. बाय द वे, गेस्ट सभी आने ही वाले होंगे. सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं. अच्छा निशा, मैं क्या कह रहा था, वो क्या नाम है उस लड़की का? मानवी. हाँ, जो भी है जरा चेक करना उसने कपड़े सही से पहने या नहीं. कहीं ऐसा ना हो कुछ भी पहन के आ जाए, बहुत इंसल्ट हो जाएगी. ओके डैड, गो. मानवी, तुम रेडी नहीं हो अभी तक? अरे सब लोग आ चुके हैं, हमारा वेट हो रहा होगा यार. क्या करूं रेडी होके राहुल? क्यों बनूं इस पार्टी का हिस्सा? तुम्हारे डैड को मुझे देख के वैसे भी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि मैं उनके स्टेटस और क्लास की जो नहीं हूँ. एक गरीब घर से हूँ मैं. तुम मुझे पार्टी में ले जाकर अपने डैड को क्यों नाराज करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पार्टी में शामिल होना चाहिए. तुम ऐसा क्यों सोचती हो मानवी? कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा. तुम बस मेरे साथ रहना, सब कुछ ठीक रहेगा. तुम्हारे साथ तुम ख्याल रखोगे मेरा? तुमने खुद कौन से मौके छोड़े हैं मेरे और मेरी फैमिली को बेइज्जत करने के जो मैं तुम पे भरोसा करूं? हाँ दोती मान, टॉन्ट किए बगैर एक सेंटेंस नहीं बोल सकती तुम मुझे. तुम्हें पार्टी में नहीं आना है, मत आओ. यू नो मैं तंग आ गया हूं. आई एम टायर्ड. तुम्हें मना मना के, तुम्हें समझा समझा के. डू व्हाटएवर यू वांट. ऑलराइट? माय गॉड अवंती, कितनी प्रिटी लग रही हो तुम. आई मस्ट से, अगर आज राहुल तुम्हें दिखेगा ना तो वो यही सोचेगा कि तुमसे शादी ना करके उसने क्या कुछ मिस कर दिया. तुम भी ना निशा. वैसे है कहाँ राहुल? देखो तुमने कहा और वो आ गया. अवंती, बाय द वे बधाई हो, राहुल अकेला आ रहा है. क्यों? मानवी को क्या हुआ? वो कहे आई डोंट नो. आज सुबह डैड ने उसे खूब सुनाया. मुझे लगा ही था कि वो आज पार्टी में नहीं आएगी. पता है, मैंने ना बड़े ही आराम से डैड को गुस्सा दिलाया था आज. रियली? वैसे चेहरा देखो उसका, साफ लग रहा है कि मानवी और इसकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है. आई मस्ट से अवंती, ये टाइम तुम्हारे लिए परफेक्ट है. जाओ और जाकर उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो ताकि उसका ध्यान अपने प्रॉब्लम से हटे और वो तुम में अपना ध्यान लगाए.
वैसे भी चाहे प्यार कितना भी हो, रोज रोज की प्रॉब्लम से कंप्लेन से इंसान थक ही जाता है। वाह नशा, तब तुम तो एकदम प्रो। आई वंडर कि तुम्हारी शादी इतने टाइम से ऐसे हैप्पीली मैरिड कैसे चल रही है। हाय राहुल, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी बेटा, मानवी कहाँ है? रेडी हो रही है? मॉम उसकी तबीयत खराब है, मैंने सोचा कि अगर पार्टी में आएगी तो और स्ट्रेस लेगी तो उसका बुखार बढ़ जाएगा। आप तो जानते हो कितनी भी कभी वो। अच्छा जी, कैरी ऑन। मम्मी जी, अरे नहीं, बैठो, बैठी रहो। राहुल ने बताया कि तुम पार्टी में नहीं आ रही हो। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह से तुम अपनी माँ से भी बातें छुपाती हो? एक नहीं, तीन तीन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है मैंने। जब भी वो झूठ बोलते हैं ना मानवी, तब पकड़े जाते हैं। अगर तुम सच में बीमार होती तो मैं राहुल के चेहरे पे पढ़ लेती। अच्छा, मुझे पता चला कि राज ने तुम्हें सुबह क्या कहा। उन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, गलत थे वो। और जो कुछ भी इस घर में तुम्हारे फैमिली के साथ हुआ, उसके बाद तुम्हारा नाराज रहना जायज है, हक बनता है तुम्हारा। पता नहीं राज और तुम्हारे बाबा के बीच की लड़ाई कब खत्म होगी। खत्म होगी भी या नहीं ये पता नहीं, पर एक सच्चाई जो राज भी छुटला नहीं सकते, वो ये है कि तुम इस घर की बहू हो। इस घर में हमारे साथ तुम्हारा पहला न्यू ईयर है। बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें इस पार्टी में शामिल होना चाहिए। आई विश तुम दोनों की शादी सबकी मर्जी के साथ हुई होती। आई विश कि तुम्हारे ऊपर इस तरह से मैं अपना गुस्सा नहीं निकालती। बट कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। क्या हम इस पार्टी के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक फैमिली की तरह? क्या आप सच में मुझे इस घर का हिस्सा मानती हैं? ऑफ कोर्स बेटा, मेरा बेटा तुम्हें इस घर में शादी करके लेके आया है। तुम इस घर की बहू हो, ये बात सच है। देखो मम्मी, गलतियां सबसे होती है, हमसे भी हुई, और तुम्हारा नाराज रहना जायज है। मैंने अभी रात से कहा कि जो उन्होंने तुम्हारे फैमिली के साथ किया वो बहुत गलत था, पर इस नोकझोंक की वजह से क्या हम सब अलग होकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे रहे तो क्या ये सही होगा? नहीं ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की बड़ी बहू होने के नाते इस पार्टी में शामिल हो। अगर तुम इस पार्टी में शामिल हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। पर जैसे मैंने कहा, तुम्हें नाराज रहने का पूरा हक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है? हैप्पी न्यू चड्डा साहब। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बिजी होंगे तभी नहीं आ पाए। मानवी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा। शायद जितना मैं सोच रही थी उससे ज्यादा अपसेट है मानवी। मेरी बातें उससे यकीन नहीं दिला पाई। शायद आज वो नहीं आएगी। लो, आपने याद किया, रू आ गई। Thank you.
निशा, तुमने तो कहा था वो नहीं आएगी, कैसे आ गई फिर? ये जरूर मॉम ने किया होगा, 100% मॉम ने जाके मानवी को कन्विंस किया होगा पार्टी में आने के लिए। अरे कहा तो था मैंने तुम्हें, आजकल पता नहीं क्यों मॉम के दिल में मानवी के लिए बड़ा प्यार जाग रहा है। घूरना बंद कर, बीवी है तेरी, जा लेकर आओ। अरे दादी। अरे जा ना। देखो उसे, दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनके बीच में कोई आर्गुमेंट हुआ ही ना हो। मानवी का तो समझ आता है, पर राहुल को क्या हो गया? लो, मिल लो अपनी भाभी से। नमस्ते भाभी जी। मेरे बचपन के दोस्त, इनकी बातों को सीरियसली मत लेना। रोहित जरा इधर आना। एक्सक्यूज मी भाभी जी, एक्सक्यूज मी राहुल, अभी आया। अच्छा लगा तुम्हें आई इस पार्टी में। इसका मतलब मैं ये समझू कि तुमने अपनी राय बदल ली है? हाँ, मुझे लगा था कि इस घर में मुझे कोई भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता, पर शायद मैं गलत थी। What the hell, निशा? तुमने मुझे यहाँ इन दोनों का रोमांस देखने के लिए बुलाया? बहुत हो गया निशा, मैं जा रही हूँ। अरे अवंती, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा रुक जाओ, अभी तो पार्टी का असली मजा आएगा। What do you mean? अवंती वो देखो, मानवी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। I mean, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को इतने अच्छे से कैरी कर पाते हैं। एक्सक्यूज मी अवंती, ये कपड़े मैंने मानवी को दिए, खास उसके लिए चूज किया था मैंने। और अब जब मानवी के लिए निशा अपना टाइम निकालेगी और कुछ करेगी, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा ही ना। कहना क्या चाहती हो तुम? एक काम करो, तुम थोड़ा रुक जाओ और खुद ही देख लो। इनफैक्ट तुम जाके राहुल के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, और बाकी काम तो ये साड़ी अपने आप ही कर देगी। और हाँ, डैड ने भी इस पार्टी के लिए कोई स्पेशल सा सरप्राइज रखा है, उसके बारे में उसने हम में से किसी को भी नहीं बताया। तो यू नेवर नो, शायद उन्होंने भी मानवी के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान जरूर किया होगा। ओके। लोकी पार्टी कितनी बोरिंग होती है, हमें तो बस पिज्जा और बर्गर देके कॉल में बिठा देते हैं। सो अनफेयर यार। ओए, पापा ने ना पार्टी के एंड में एक सरप्राइज रखा है, और वो स्पेशल वाला है। So you mean, कि हम पार्टी के एंड तक सरप्राइज का वेट करते करते बोर होते रहे? पार्टी इसके डैड की है, तो सरप्राइज भी उनके गेस्ट को ही मिलेगा, हम लोग को थोड़ी ना मिलेगा। Listen guys, हम लोग अपनी प्राइवेट पार्टी करें। अपनी कब, कहां और कैसे? तेरे रूम में आराम से प्लेस्टेशन खेलेंगे। चलो रूम में चलो। निशा, पार्टी खत्म होने से पहले तुम्हारा ये बिग प्लान पूरा होगा? अरे हाँ बाबा, होगा, जरूर होगा। Just wait. अच्छा लगा कि तुम सबसे अच्छे से हंस के मिल रही हो। लगता है कि तुम्हें डिनर से ज्यादा ये पार्टी पसंद आई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि यहाँ सबके सामने रहूंगी तो सेफ रहूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि घर में फिर से कुछ चोरी हो जाए और सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाए। अच्छा तुम आई। That's nice to see after so long. कैसे नहीं आती? आपकी नई बहू को मिलने का चांस जो नहीं मिला मुझे, आज तो आना ही था। वैसे सोनाली, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मुझे कंसल्ट किए बगैर या पूछे बगैर नहीं लेती हो, और अब राहुल के लिए मुझे बताया नहीं, कुछ पूछा नहीं और बहू ले आए। वो एक्चुअली बहुत जल्दी में हुई शादी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाए, बट मिलवाते ना तुम्हें आज। रुको, मैं तुम्हें मानवी से मिलवाती हूँ।
एक्सक्यूज मी राहुल, मानवी, मैं तुम दोनों को एक खास इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। चलो। ये रही मेरी बहू मानवी, इनसे मिलो। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है काजल रघुवंशी, शहर की जानी मानी ऑरा रीडर। किसी भी इंसान का ऑरा देखकर बता सकती है कि उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है। शी इज ट्रूली गिफ्टेड यू नो। कितनी प्यारी लड़की है। आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस। और मानवी, मैं सोनाली की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। आई एम ऑलमोस्ट फैमिली। तो ये नमस्ते वाली फॉर्मेलिटी रहने दो। कम हियर।